আপনি বললে কামটা ঢুকান না আচ্ছা দাঁড়ো হ্যাঁ और जहाँ कैंडिडेट नाम है अपनी जितने जान दीते पर तो ये लो सिंबल दास है आज ही ले और जैसे आप सभी जानते हैं इलेक्शन को इंक्लूसिव बनाने की दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ने 85 इयर्स से ज़्यादा उम्र के लोग और जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं दिव्यांगजन उनके लिए होम वोटिंग फैसिलिटी शुरू की है। गत असेंबली इलेक्शन में भी था, इस लोकसभा इलेक्शन में और जो 7 रामनगर बाई इलेक्शन उसमें भी है। तो आज से ये त्रिपुरा में शुरू हो रहा है होम वोटिंग फैसिलिटी। 10 तारीख आज और 12 तारीख इन दो दिनों में वन त्रिपुरा वेस्ट और 7 रामनगर तो होम वोटिंग होगी और ऐसे ही वन त्रिपुरा ईस्ट में 17 और 18 अप्रैल में होगी। तो ये एक तरह से उद्देश्य है कि हर नागरिक यदि ना पोलिंग केंद्र तक नहीं जा पाएगा तो पोलिंग केंद्र तक जाकर उनका वोट देगा। हर नागरिक के वोट की वैल्यू है। सर यही चीज हम बताना चाहते हैं। त्रिपुरा में कितने हैं वोटर? त्रिपुरा में टोटल वोटर्स होम वोटर होम वोटर करीब 4,581 है आपके त्रिपुरा वन वेस्ट में और उस त्रिपुरा टू ईस्ट में 4,720 के आसपास है। कितना दिन लगेगा सर ये कंप्यूटर होने में होम वोटर का? ये दो दिन जैसे हमने बताया ना, दो दिन 10 और 12 आपने त्रिपुरा वन वेस्ट के लिए रखा है और 17-18 त्रिपुरा टू ईस्ट के लिए रखा है। तो ओके, तो जितने एक अलग अलग असेंबली सेगमेंट में वोटर्स हैं जिनको होम वोटिंग की फैसिलिटी जिन्होंने ऑप्ट किया है उसके हिसाब से हर एआरओ कितनी टीमें बनानी वो उस हिसाब से कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी जैसे रामनगर में 6 टीमें हैं तो दो दिन में 201 टोटल वोटर्स हैं जिनको 10 और 12 दो दिन में कवर कर लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।